जय हिंद। व्यक्ति पर्ची के आज के सीरीज में जानेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल वर्ष 1865 को निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 मार्च वर्ष 1947 को आजमगढ़ में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्होंने गद और पद दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी की सेवा की थी। वे द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में से एक है। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में भी कार्य किया। प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली में हिंदी का पहला महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ही लिखा, जिसे मंगला प्रसाद परितोषी से भी सम्मानित किया गया था। हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में और वैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। उनकी रचनाओं का नाम है ठेठ हिंदी का ठाट, अधकिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा विद्यावाचस्पति के उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। हरिऔध जी ने विविध शैलियों को ग्रहण किया है। मुख्य रूप से उनके काव्य में निम्नलिखित शैलियाँ पाई जाती हैं। संस्कृत काव्य शैली, जो कि उनके रचना प्रिय प्रवास में देखने को मिलता है। प्रिय प्रवास जो कि पहला खड़ी बोली की रचना थी। रीतिकालीन अलंकार शैली, जो उनकी रचना रस कलश में देखने को मिलता है। तीसरा है आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली, जो वैदेही वनवास में देखने को मिलता है। और अंतिम है अंतिम और चौथा उर्दू की मुहावरेदार शैली, जो चुभते चौपदों और चोखे चौपदों में देखने को मिलता है। तो आज का हमारा सेशन ही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।